नमस्कार साथियों, मेरा नाम तीर्थ राज तिवारी है। मैं अपने YouTube के चैनल पगले का फंडा के लिए वीडियोस बनाता हूँ। दोस्तों, मैं पिछले कुछ वीडियो में बताया था कि अगर जो लोग मेरे साथ मलेशिया चलना चाहते हैं या जाना चाहते हैं तो वो लोग मेरे साथ जा सकते हैं, उनके पास एक अपॉर्चुनिटी है। दोस्तों, तो मैं सीधे मुद्दे पर आता हूँ, मुद्दे की बात करता हूँ। तो दोस्तों, मैं जो डेट बताने वाला था आप लोगों की, उस डेट में मेरे से अगर आप दिल्ली में फेस टू फेस मिलना चाहते हैं, जैसे कुछ लोगों की क्वेरीज थे कि नहीं सर मैं आपसे फेस टू फेस मिलूंगा, तो दोस्तों मैं बता दूं, मैं बुधवार को दिल्ली पहुंच रहा हूं। तो आप लोग बुधवार को दिल्ली मेडिकल सेंटर के पास, अगर आपके पास एड्रेस नहीं है तो आप मेरे को कॉल करके एड्रेस ले सकते हैं, या मैं कहाँ रुकूंगा वो मैं आपको बता दूंगा लोकेशन, ठीक है? तो आप लोग वहाँ भी आके मेरे से मीटअप कर सकते हैं दोस्तों, और साथ में अप्लाई भी कर सकते हैं। मतलब आपका मेडिकल और बायोमेट्रिक का काम वहीं पर दिल्ली में कराने के बाद, मैं आपसे पासपोर्ट मेडिकल और बायोमेट्रिक लेने के बाद, मैं उसी दिन, जिस दिन मेरे हाथ में सारे डॉक्यूमेंट्स होंगे, मैं दोस्तों प्रॉमिस करता हूँ उसके एक दिन, मतलब 24 घंटे के अंदर मैं उसको अप्लाई कर दूंगा। दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए, क्योंकि मेरा मेरे पास खुद टाइम कम है। दोस्तों, मेरे को खुद मलेशिया जाना है, अभी आप लोगों के साथ जाना है। जो कुछ भाई लोगों ने अप्लाई कर दिया है पहले से, या जो लोग दूर के करा रहे हैं, कुछ लोगों ने तो दूर से, जो मतलब जो दूर वाले भैया, वो सही किया उन लोगों ने कि मतलब दूर से यहाँ दिल्ली पहुँचना थोड़ा मुश्किल था उनके लिए, तो वो लोगों ने कहा कि सर मैं इतना दूर क्या आऊँगा, मैं वहीं से अप्लाई, मतलब वहीं से मेडिकल करवा के मैं आपको कुरियर कर दूंगा। ये बेस्ट ऑप्शन भी है दोस्तों, क्योंकि आपके पास समय कम होता है, या फिर आप मतलब कोई काम कर रहे हो, तो कोई जॉब कर रहे हो, तो आपके पास जॉब छोड़ के फिर 2-3 दिन के लिए, 4 दिन के लिए दिल्ली आना, फिर 1-2 दिन का सफ़र, वैसे मतलब हफ्ते भर पूरा टाइम वेस्ट हो जाना, कोई इशू नहीं है। दोस्तों, मैंने हर वीडियो में बताया है कि आपका जब मैं काम होने के बाद पेमेंट ले रहा हूँ, तो आपको कोई तो ऐसे इशू होना ही नहीं चाहिए। नहीं, फिर भी उसके बाद भी कुछ लोग इतने ऐसे स्टूपिड से क्वेश्चन करते हैं कि सर उसके बाद की क्या गारंटी? यार, मैं आपको जॉब लगवा दूंगा, उसके बाद आपको सैलरी मिलने लगेगी। मैं इतना बोला हूँ कि 1 महीने में आपके साथ रुक जाऊंगा मलेशिया में, ठीक है? चलो 1-1.5 महीने, 2 महीने रुक जाऊंगा, 4 महीने का 4 महीने, लेकिन यार मैं पूरी ज़िंदगी आपके साथ काम पे तो रहूँगा नहीं ना। क्या आप कब कम काम कर रहे हो, आपको काम पसंद आ रहा नहीं आ रहा? काम तो मैं पहले ही बता दिया ना, कंस्ट्रक्शन का काम है, ठीक है? कंस्ट्रक्शन में क्या होता है आपको पता होना चाहिए, और उसके बाद पैकिंग का काम है, पैकिंग में क्या होता है आपको पता होना चाहिए, पैकिंग में पैक करना है, कंस्ट्रक्शन में आपको कंस्ट्रक्ट का काम करना, मतलब आपको उसमें मटेरियल वगैरह देना लेना ये सब करना होता है यार। तो ऐसे स्टूपिड से क्वेश्चन, उसके बाद की गारंटी? यार मैं जॉब लगाने की गारंटी लेता हूँ, उसके बाद की गारंटी क्या होता है यार? मेरी खुद की गारंटी नहीं है, आपकी ज़िंदगी की गारंटी है? किसी की गारंटी नहीं होती यार, किसी की गारंटी नहीं है इस दुनिया में। गारंटी इस बात की कि मैं आपको जॉब लगवा दूंगा, आपको जो सैलरी बोला हूँ वो करवा दूंगा, पेमेंट आपसे काम होने के बाद लूंगा, जब आप पहले वीजा अपना चेक करा लेंगे, वेरीफाई करा लेंगे कई जगह से, तब। दोस्तों, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ जो मेरे हाथ में है, और आपका मन नहीं लग रहा, आपका काम नहीं आपको जम रहा है, तो वो इस बात की गारंटी आपको लेनी होगी कि आपको मन लगाना होगा, कि आप विदेश में जा रहे हो ना, फॉरेन जा रहे हो, तो आपको इस बात पे अमल करना होगा कि आप अपने फैमिली को छोड़ के जा रहे हो, आप 2 पैसे कमाने के लिए जा रहे हो, आप मन लगाओगे तभी मन लगेगा। ऐसे नहीं कि यार घर पे लुगाई की आधार है फिर आप वहां से चले आओ काम छोड़ के, तो इसमें मैं नहीं कर सकता ना कुछ, कि आपके पैसे क्या होंगे क्या नहीं होंगे, है ना? काम दिलाने की जिम्मेदारी है दोस्तों। जैसे कुछ लोगों ने सवाल करा था कि नहीं A to B वीजा में सर काम दिलवाएंगे कि नहीं दिलवाएंगे, तो दोस्तों मैं बता दूं, A to B वीजा में भी आपको काम दिलवाऊंगा, और उसमें एक अपॉर्चुनिटी आपके पास एक और होगी कि अगर आपके अंदर अच्छी क्वालिटी है, स्किल्स है, तो मैं आपके और भी एक्स्ट्रा इंटरव्यू करा दूंगा, कंडक्ट करा दूंगा वहाँ पे, कि जैसे मतलब आपके पास अगर अपॉर्चुनिटी है, तो देखो जाने को सभी हेल्पर में जाते हैं, सच्चाई है, ठीक है? लेकिन अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी है जाने का, आपके पास हुनर है, दम है, तो मैं वहाँ पे इंटरव्यू कंडक्ट करा दूंगा। अगर आप इंटरव्यू पास करते हो तो आपको हो सकता है 50,000-60,000-70,000 जो भी वहाँ पे हो, 70,000 तो नहीं कह सकते, लेकिन 50-60 तक तो आराम से कमा सकते हैं ना स्टार्टिंग में दोस्तों। लेकिन ये चीज़ 2-3 महीने कम से कम ये सब प्रोसीजर होता है, ऐसा नहीं कि मैं आप आज उतरे मैं आपका इंटरव्यू कंडक्ट करा दूँ, ठीक है? करा दूंगा, जैसे बाकी लोग मेरे साथ जो भाई लोग हैं उन लोगों को जॉब सेटअप कराने के बाद, जैसे 2-4 दिन बाद आप कहोगे तो मैं आपका इंटरव्यू भी वहाँ पे कंडक्ट करा दूंगा अदर कंपनी में। लेकिन जब मैं, अगर मेरी बात है, तो मैं आपको A to B वीजा में मैं इस बात का प्रॉमिस करता हूँ कि 35,000-40,000 रुपये आपकी सैलरी होगी, जो मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा अपनी टीम की तरफ से, मैं अपने चैनल की तरफ से, ठीक है? ये इस बात की श्योरिटी है दोस्तों। बाकी और कोई चीज़ की आप श्योरिटी मेरे से मांगोगे कि नहीं उसके बाद की श्योरिटी, 6 महीने बाद की श्योरिटी, 8 महीने बाद की श्योरिटी, 1 साल के बाद, तो यार मैं क्या कर सकता हूँ? मेरे पास जो श्योरिटी है मैं वो दे सकता हूँ। आपको कोई तकलीफ हो तो आप फिर भी मेरे को कॉल कर सकते हैं, आप मलेशिया में भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मलेशिया से भी कॉल कर सकते हैं, वहाँ पर मेरे एक भाई हैं, वहाँ से भी आप, मैं आपको कोई भी परेशानी होगी तो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, ठीक है? दोस्तों, मेरा मूल मकसद था, मेरे मुद्दे का मतलब ये था, आपको ये बताना था कि आप अगर मेरे से मिलना चाहते हैं तो दिल्ली में बुधवार तक आ जाए। दोस्तों, दिल्ली में मैं बुधवार तक रहूँगा, और बुधवार तक नहीं रहूँगा, बुधवार को मैं पहुँचूंगा, ठीक है? उसके 1-2 दिन तक रहूँगा, आप वहाँ आना चाहें तो आप अप्लाई कर सकते हैं आगे, ठीक है? दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब।